हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो गाइज, हेल्थ की बातें आगे चलती रहेंगी। आज का टॉपिक फिटनेस इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात कुछ अलग करने वाले हैं। और ये अलग बात होगी, मेरा जो दूसरा चैनल है मीरा मूवीज के नाम से, उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। आज उसके रिगार्डिंग ही इस टॉपिक पर बात की जाएगी कि हम अपने स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। और स्क्रिप्ट की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस चैनल पर हम कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, और कॉमेडी वीडियोस को बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, और वो स्क्रिप्ट हम कैसे लिखते हैं। अगर आप भी कॉमेडी वीडियो बनाने की सोच रहे हो और उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता, कि कैसे हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कैसे एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं जिससे हम अपनी वीडियो को जल्दी बना पाए, तो आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड कॉमेडी वीडियोज और फिल्में बनाने के लिए आप हमें कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होगी, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती है, वो धीरे धीरे आपको देखने का मिलेगा। क्योंकि फिटनेस से रिलेटेड भी वीडियो आएंगी इस पर, आप इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे कि कैसे कॉमेडी चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज ला सकते हैं, थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में स्क्रिप्ट से रिलेटेड बात करेंगे। और स्क्रिप्ट बनाने से पहले मैं आपको पहले एक स्क्रिप्ट का अपना वो एग्जाम्पल दे दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, आपको शायद दिख रहा होगा ये। वह मैं यहाँ पर आप ना एक स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हो। स्क्रिप्ट लिखने के ना बहुत ज़्यादा तरीके हैं, कोई किस तरह से स्क्रिप्ट लिखता है, कोई किस तरह से स्क्रिप्ट लिखता है। स्क्रिप्ट लिखी जाती है जब उसके सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, तो जब हम कॉमेडी वीडियोज बनाते हैं तो कॉमेडी वीडियो बनाने से पहले हमें एक टॉपिक चूज करना पड़ता है। टॉपिक के लिए बेहद ज़रूरी होता है कोई ऐसी कहानी ढूंढना, कोई ऐसा चुटकुला ढूंढना जिसके इर्द गिर्द हम एक कहानी क्रिएट कर सके। कहानी क्रिएट करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, हर किसी पे ये चीज़ें नहीं आ पाती, लेकिन जो वह कर लेता है वो काफ़ी अच्छी कहानी अपनी वीडियोज़ के लिए बना सकता है। अब कहानी कैसे बनाई, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपने कहीं से एक जोक सुना, उस जोक के रिगार्डिंग आप कितनी बड़ी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, या आपने कोई पंचलाइन सुनी, उस पंचलाइन को लेकर आप उसके चारों तरफ कितनी बड़ी कहानी घुमा सकते हो, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे एक कहानी तैयार कर सकते हो। तो ये चीज़ है कि आप सोचते हो कि हम कहानी कहाँ से लाएं, आपने दो वीडियो बना ली, तीन वीडियो बना ली, फिर सोचते हैं कि मैं अपनी कहानी कहाँ से लाऊं। तो कहानी लाने का सिंपल तरीका यही है, एक जोक आपने सुना, उस जोक के अराउंड आप जितनी बड़ी कहानी रच सकते हो ये आप पर डिपेंड करेगा। तो आपके माइंड में कहानी आ गई कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टॉपिक की शुरुआत कैसे होगी और ख़त्म कैसे होगी। स्क्रिप्ट जब लिखी जाती है, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं जो स्क्रिप्ट से ही भरे पड़े, और ये एक कहानी की ही स्क्रिप्ट है। तो गाइज, इस चीज़ के लिए ना आपको एक चीज़ सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपको एक चीज़ फोकस में लानी होगी, सबसे पहले उस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि आपके पास कोई कहानी है तो सबसे पहले उसके पॉइंट नोट कीजिए। यहाँ पर मैं अपनी दूसरी, हाँ ये रहा, इसका ना मैं इससे गंदी राइटिंग है वैसे तो, लेकिन जल्दी जल्दी लिखा, इसके अभी स्क्रीन शॉट मैं साइड में लगा दूंगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि हमारी स्टोरी कैसे शुरू होगी, एक लाइन में वो लिखी है। फिर दूसरा सीन, सिर्फ एक लाइन में, एक लाइन वाइज अपने 6-7 सीन लिख लिए हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, वो स्टोरी पर डिपेंड करता है कि हमारी स्टोरी कितनी लंबी है। तो हर सीन की एक लाइन लिख लिया कि इस सीन में ये होगा, इस सीन में ये होगा, शुरू से लेकर एंड तक ये चीज़ें मेंशन कर लेगी, स्टार्टिंग से और एंड तक क्या होने वाला है। तो इससे ना एक दिमाग में आइडिया हो जाता है और हमारा दिमाग ज़्यादा भी घूमता नहीं है कि यार क्या होगा क्या होगा। तो गाइस, सबसे पहले ना इसे कहते हैं प्लॉट, हम अपनी कहानी की एक एक पॉइंट आउट लिख लें, जिससे कि हमें ये आइडिया हो कि हमें अपनी कहानी में दिखाना क्या है, कि सीन में क्या होगा, इस सीन में क्या होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की। तो जब आपने प्लॉट तैयार कर लिया कि हमारे पहले सीन में ये होगा, दूसरे सीन में ये होगा, तीसरे सीन में ये होगा, तो अब आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उस प्लॉट को उठाइए, सीन नंबर 1 लिखिए, सीन नंबर के पीछे नीचे उसमें आपके जितने भी करेक्टर हैं उनके नाम लिखिए। अब वन बाय जिस भी करेक्टर का जो भी डायलॉग है उसको लिखते जाए। तो स्क्रिप्ट लिखने का ये आसान सा तरीका है, कोई ज़्यादा इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे मेन होता है कि हम अपनी स्टोरी कहाँ से लाएं। और स्टोरी लाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप कहीं से भी कोई जोक सुनते हो या कोई ऐसी चीज़ देखते हो कि वो आपको बड़ा ही अजीब लग रही है, हंसाने वाली चीज़ है, आप इसमें कोई कहानी भी क्रिएट कर सकते हो, सीरियस स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं होता कि कॉमेडी वीडियोज ही शूट करो, लेकिन आप उस पंचलाइन, उस जोक के अराउंड अपनी कहानी क्रिएट कीजिए, तो एक अच्छी स्टोरी आप बना पाओगे, और स्टोरी से रिगार्डिंग आप बहुत सारा स्क्रिप्ट लिख पाओगे, जितना बड़ा हो सकता है कि उस कहानी के अकॉर्डिंग। तो गाइज, ये स्क्रिप्ट लिखने का आसान तरीका है, कोई आपको पेन पकड़ के ये नहीं सिखाएगा कि सीन नंबर 1 लिखिए, रामू ने कहा कि ठाकुर साहब आपके हाथ नहीं है, ये आपको कोई बोल के नहीं बताएगा, ये चीज़ें आपको खुद ट्राई करनी पड़ेंगी। आप कोई जोक सुनिए, कोई वीडियो देखिए, वीडियो में कोई डायलॉग आपको अच्छा लगा, ये
डायलॉग कॉपी करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उस डायलॉग को लेकर आप एक अलग कहानी क्रिएट कीजिए। ये आपकी इन्वेंशन को दर्शाएगा कि आप एक कहानी लिखने में कितने सक्षम हैं। तो ये चीज़ें पॉइंट करने की हैं, आप अपनी कहानी को इस तरह बना सकते हो और स्क्रिप्ट फिर आप आसानी से लिख सकते हो। और स्क्रिप्ट लिखने से पहले प्लॉट जरूर लिखें कि पहले सीन में क्या होगा, दूसरे सीन में क्या होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको स्क्रिप्ट से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आई होगी। और रही हेल्थ वीडियोज़ की बात, हेल्थ वीडियोज़ भी आते रहेंगी। सबसे पहले आप अगर कॉमेडी वीडियोज़ बनाना चाहते हो तो इस कॉमेडी वीडियोज़ हों या कोई भी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो जिसमें कोई टीम वर्क हो, तो आप इस चीज़ पर फोकस कर सकते हो कि हम स्क्रिप्ट कैसे लिखें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।